इंडिया का जो कमबैक था स्पेशली बुमराह का वाज अमेजिंग, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम। पूरा पैसा वसूल हो गया। बुमराह मेरा फेवरेट प्लेयर है तो उसका वेट कर रहे थे सब लोग। ये मैच जो था ना वन ऑफ द बेस्ट मैच था। आज न्यूयॉर्क में दिवाली हो रही है, इट्स अ न्यू ईयर, विक्ट्री फॉर मोदी, विक्ट्री फॉर इंडिया। जो कमबैक था स्पेशली बुमराह का वाज अमेजिंग, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम। जिस तरीके बुमराह ने अपना कमबैक किया है दैट इज वही गेम चेंज हो गई थी वहां पर, एन एक्सीलेंट फील्डिंग ओवरऑल आई वुड से, एंड अ ग्रेट विक्ट्री। 11 ओवर तक 65 रन की तरफ एक ही विकेट थी और लगा अब तो गए। यस, अब तो लगाया गए थे, बट लाइक आई सेड जो बुमराह ने बॉलिंग करी है दैट्स अमेजिंग। जो कमबैक हमने टीम ने किया एज अ टीम इट्स बीन अमेजिंग, एंड या वी डिड अ ग्रेट जॉब एंड रियली हैप्पी। ऋषभ पंत ने जो एक्सीलेंट, दैट्स अनदर बिग पॉइंट जो ऋषभ पंत ने रिव्यू लिया, I mean nobody was aware, so Rishabh Pant was the only one jisne initiate kiya, so it was amazing and overall yeah it's a great victory. Pura paisa vasool ho gaya, we traveled from long distance, main Canada se aaya, par jab 120 run lage to tab lag raha tha ki we are kind of 20 runs short at par score se, aur jab fir pehle 50 run ban gaye Pakistan ke tab dar lag raha tha, par uske baad the way the bowlers made comeback, Bumrah, everyone, Siraj bowled 3 overs for 10 runs, Arshdeep, and India always had the dominant hand over the Pakistan in the World Cups. Unhone usko utilize kiya, they put the pressure on them aur hari hui game jeet li. It was wonderful. We never give up. We are realizing it. अगर उनके गिरे तो अगर हमारे गिरे उनके भी गिरेंगे, और वही हुआ, और वो लोग इतने प्रेशर में थे कि वो हिट ही नहीं कर पाए। दिस वॉज अमेजिंग, दिस वॉज अमेजिंग। पंत प्लेट रियली वेल, डिसाइडिंग मैच था। पंत है, बुमराह है, क्या था रहा, क्योंकि सुबह की तरफ बारिश लगा मैच में, फिर हुआ इंडिया गिर गई और लो स्कोरिंग मार करके उसके बाद तो जीत गई। वो तो बॉलर का कमाल था, बुमराह मेरा फेवरेट प्लेयर है तो उसका वेट कर रहे थे सब लोग। लेकिन जो पंत की बैटिंग और जो आज उसने खेला है बैटिंग से भी और विकेट में 2 ओवर में डीआर थे, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब पहले ऐसा था कि अगर बारिश हुई तो हमारा डिसएडवांटेज हो गया था, लेकिन फिर जिस तरह से पंत ने बैटिंग किया और बुमराह ने कमबैक किया, काफी लाजवाब था वो। ये मैच जो था ना वन ऑफ द बेस्ट मैच था। ये भाई लोग भी हमारे जो है बहुत अच्छे से खेले, इन्होंने स्टार्टिंग में जो प्रेशर डाला था बहुत अच्छा दिया, लेकिन आखिर में हमने भी बहुत अच्छे से इनके ऊपर प्रेशर डाल के जीत दिला दी। ग्रेट मैच, एब्सोल्युटली। एंड वन थिंग आई विल से इज दैट पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ हैव शोन अ रियली फैंटास्टिक स्पोर्ट्समैनशिप। देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पिरिट इन द एंटायर स्टेडियम, देयर वाज नो बीएस, नो न्यूसेंस, एंड टीम वाज रियली अमेजिंग। Everybody played well, and obviously there's a lot of pressure, but everybody did really good job. And I know my friend has been saying that. इससे अच्छा मौका इंडिया को हराने का मिल नहीं सकता था आपको। This was the perfect opportunity. लेकिन game was good, लेकिन I mean this was the best chance for Pakistan to beat India. लेकिन लेकिन ये है कि but I give India credit. They brought Pakistan under pressure. और प्रेशर में लागे उनको पैनिक किया, पैनिक बटन दबाया और मैच जीत गया। अदरवाइज दिस मैच वाज प्रीटी मच लाइक यू नो मैच आपके कंट्रोल में था, बिल्कुल आता तो शायद थोड़ा हिटर को 8वें नंबर पे उतारा जा रहा है। बाबर की कप्तानी में क्या बोलेंगे? सिख बाबर की कैप्टनसी, देखिए दो चीजें हैं। एक तो चीज है कि बाबर इज नॉट अ कैप्टन मटीरियल, इज अ ग्रेट प्लेयर, वी लाइक हिम, इज अ ग्रेट प्लेयर, बट इज नॉट अ कैप्टन मटीरियल। देखिए अगर इफ कोहली इज नॉट अ कैप्टन, इज अ ग्रेट प्लेयर, इफ बाबर इज नॉट अ कैप्टन, व्हाट इज अ बिग डील, राइट? नंबर वन। सेकंड चीज जो है, जो बेसिक मिस्टेक ये है कि पाकिस्तानी बोर्ड ने, दे शुड नॉट हैव चेंज द कैप्टन बिफोर अ मेजर टूर्नामेंट, दैट वाज द मिस्टेक नंबर वन, रिगार्डलेस ऑफ बाबर और नॉट। बट एनीवे इट वाज गुड गेम, वी एंजॉयड इट एंड वी विश इंडिया। आज न्यूयॉर्क में दिवाली हो रही है, इट्स अ न्यू ईयर, विक्ट्री फॉर मोदी, विक्ट्री फॉर इंडिया, जय हिंद। अरे हम आ गए, इंडियाना से आ गए ये देखने के लिए, $1500 खर्च करके, जस्ट टू सी द गेम। वी आर बिग फैंस एंड आई लव MS धोनी एंड एवरीबडी एंड रोहित एंड
अनबिलीव जीत 119 पाकिस्तान के अगेंस्ट बनी, तो मैं समझा कि एक आसान जीत पाकिस्तान दर्ज करेगी, लेकिन ये हिस्ट्रिकल मैच हो गई। बुमराह जी की कसी हुई गेंदबाजी आज टीम इंडिया को जीत की दहलीज पे ले आई, और ये T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में रखी गई, इसकी आगाज जबरदस्त हुई पाकिस्तान के अगेंस्ट। हम चाहेंगे टीम इंडिया 2007 की जीत, टीम इंडिया करे रिपीट।